हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज के मैं इस वीडियो में जो लाई हूँ वो आज बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे कुछ दुखी होते हैं, जो चिंता में रहते हैं कि मेरे एग्ज़ाम में नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम में नंबर अच्छे से आ नहीं रहा है, वो बहुत दुखी रहते हैं, उनको बहुत सारे टेंशन उनके मन में आ जाते हैं। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है, ये सारे टेंशन को क्या करने वाला है, दूर करने वाला है। तो इसके लिए आप वीडियो तक लास्ट तक बिल्कुल बने रहें, और लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के वीडियो में क्या अमेजिंग कुछ होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग है। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे हैं, कुछ पढ़ाई में जिनकी रुचि नहीं है, जो जिनके 99% मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सारे उपाय आज मैं निकालने वाली हूँ। और उससे पहले आप मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट भी ज़रूर करें, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। देखिए, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको क्या करना है, फर्स्ट, क्योंकि 99% इसी कारण नहीं आ रहे ना, क्योंकि आपको कमज़ोरी पढ़ाई में कमज़ोर है ये आपको लगता है, लेकिन वो कमज़ोरी के सारों में आज निकालने वाली हूँ। देखो क्या है, सोने का आपको रखना है ख्याल, आपको पूरी नींद आपको पूरी रहनी है, हमेशा पढ़ते नहीं रहना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। खान पान, मतलब खान पान भोजन का बहुत ही अच्छे से आप पहले तो ख्याल भी रखें, और खेल कूद तरफ भी आपको ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रही कि आप खेलो कूदो मत, आप खाओ नहीं अच्छे से, सो नहीं अच्छे से, इन तीनों का आपको फर्स्ट आपको इन तीनों का आपको अच्छे से ध्यान देना है। इन तीनों का अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपको पढ़ाई में रुचि नहीं आती है। ठीक है, ये भी एक कारण है, पढ़ाई में रुचि तभी आ पाएगा जब आप पढ़ने का, मतलब पढ़ने के लिए हमेशा पढ़ने के लिए आपको उत्साहित रहना पड़ेगा, आपको पढ़ने के लिए हमेशा क्या रहना पड़ेगा, उत्साहित रहना पड़ेगा, तभी जाके आप पढ़ने को इच्छुक हो पाओगे। फर्स्ट, सेकंड क्या है, देखिए आपको 50 मिनट तक ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आप 45 से 50 मिनट में अगर पढ़ाई अपना अगर कर लेते हो तो मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। नियमित तरीके से आपको 45 से 50 मिनट पढ़ना है, लेकिन हाँ वो पढ़ाई आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और टाइम टेबल को ध्यान रख करके ही पढ़ना है। आप पढ़ाई कर रहे हो 45 से 50 मिनट पढ़ तो रहे, लेकिन टाइम टेबल के अनुसार नहीं पढ़ रहे हो तो गलत हो जाएगा, आपको टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ना है। ठीक है, सेकंड, फोर्थ क्या है, देखिए 5 से 10 मिनट के लिए आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहना पड़ेगा। आपको क्या करना है, बीच बीच में क्या करना है, ब्रेक लेते रहना है, है ना। आप ब्रेक लेते रहोगे तो आपका जो थोड़ा बहुत आप ब्रेक ले लोगे तो उससे आपका माइंड फिर फ्री हो जाएगा, फिर आप पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आपको लाने ये दोनों आप अगर अच्छे से अगर अपनाते अगर हैं तो आपका 90% आपका कहीं नहीं गया, 99% आपका कहीं नहीं गया है, तो आप 99% आप ला सकते हैं अगर इस चीज़ को आप अगर फॉलो करो। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, देखिए किसी की तुलना खुद से ना करें, आपको अपनी तुलना किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ नहीं करनी है, आपको खुद की तुलना खुद से, मतलब दूसरे किसी से नहीं करने, क्योंकि आपकी लड़ाई तो खुद से है, आपकी लड़ाई किससे है, खुद से है, नंबर तो आपको अच्छे लाने हैं, क्योंकि किसी दूसरे को स्टूडेंट को अगर देखेंगे खुद मायूस होंगे तो उससे आपका नहीं होगा। आपको क्या करना है, खुद से लड़ना खुद से है, इस कारण आपको नंबर्स अच्छे लाने के लिए खुद से ही लड़ाई करनी, तो किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी है। सेकेंड क्या है, देखिए सिलेबस को अपने साथ हमेशा रखा कीजिए, सिलेबस के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो सिलेबस से ही आते हैं, इसी कारण सिलेबस के साथ ही आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपके सिलेबस को आपको ध्यान दे करके ही पढ़ना है। ठीक है, आपका अगर सिलेबस अगर आपका ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं गया। थर्ड क्या है, देखिए गलतियों से सीखे, अगर आपका फर्स्ट अगर एग्ज़ाम आपका अगर अच्छा नहीं गया, आपकी कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप मायूस बिल्कुल नहीं होना है, फिर से कोशिश करना है कि जो गलतियां पहले हो गई वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। अगर उस चीज़ को अगर आप पकड़ लेते हो, उस चीज़ को अगर समझ जाते हो, तो ये गलती आपकी बिल्कुल नहीं होने वाली है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए।
ठीक है। और देखिए सेकंड फोर्थ क्या है, मैनेज करना सीखे, आप अपनी पढ़ाई को आप मैनेज करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ा धन प्राप्त होगा। मतलब समय सबसे बड़ा धन है, समय का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप क्या हो जाएगा, समय का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आपको फल मिलने वाला है। समय का बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छे से, जो मैंने कहा 45 से 50 मिनट, इसी चीज़ को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। आपको लग रहा है कि 45 से 50 मिनट बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ ली हूँ, तो उसी चीज़ को आपको दोबारा अच्छे से पढ़ते रहना है। चलिए तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और आशा करती हूँ आपके 99% आपके कहीं नहीं गए। ओके।